शाम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। हम पहुंच गए थे वृंदावन, आफ्टरनून में हमने रेस्ट किया और अब हम आ गए हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम मथुरा से निकलकर अब पहुंच चुके हैं वृंदावन। सुबह हमने दर्शन किए मथुरा में, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे हमें वहाँ पे द्वारकाधीश के, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और अब हम आ चुके हैं वृंदावन इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए अंदर भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। हम पहुँचे थे यहाँ पे 4:15 पे और 4:30 पे यहाँ पे दर्शन ओपन होने वाले थे और काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। बट इतनी भीड़ में भी हमें बहुत अच्छे से जगह मिल गई बैठने की। तो सब लोग वेट कर रहे हैं दर्शन के, तो चलिए दर्शन कराते हैं हम आपको भी। इतने अच्छे दर्शन हुए, आप सबने भी दर्शन किए और दर्शन करके हम निकल ही रहे थे तो भजन कीर्तन के साथ सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने भी सबको साथ में ज्वाइन किया और मम्मी ने, निहारिका, प्रणव, शिवांश, श्री, मैंने, सब ने मिलकर डांस किया। अब आप आगे देखेंगे वीडियो में। Yeah.
यहाँ पे श्री ने भी सबको डांस में ज्वाइन कर लिया है। टेम्पल के दर्शन भी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो चलिए प्रेम मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ चलो नकुल वाड़ में मैं तो मैं भी रखी रही हूँ मेरे तो राधे राधे चाहिए, राधे चाहिए बस, मतलब राधे 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 एक ही राधे। वो डॉट वाला नहीं है, पता नहीं तो यही कहा था। कितना हुआ? तेरो श्री शिवांशी को आवेदन न्यारिका इंदौर कंडा राधा कृष्णा राधे राधे राधा कृष्णा राधा राधा चलो क्या हुआ पास में देखने में फील नहीं आ रहा। राधे 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 गणेश जी के लिए अच्छे लगे। नहीं मैं तो बड़े ले रही हूँ ना उनके हिसाब से, गणेश जी को बिठाते हैं। तो मंदिर के सामने ही काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ पे मैंने और निहारिका ने मिलके शॉपिंग करी, भगवान जी की पोशाक वगैरह, भगवान जी के श्रृंगार के सामान और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। तो हम चल दिए हैं, वहाँ से निकल के पार्किंग पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, शाम हो चुकी है। ये रहा प्रेम मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, ये रहा हमारे बैक साइड में, और हमने लगवाए थे राधा वाला टीका और राधा का टीका हो गया है आधा क्योंकि पसीने में सब कुछ बह गया है। तो चलो अंदर चलते हैं प्रेम मंदिर में। ये सब लोग आ रहे हैं पार्किंग में, मैं और मम्मी पहले ही उतर गए थे, प्रणाम हमारी गाने लग रहे हैं। राधे ओ कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, ये वाह वही वाह, बहुत ही सुंदर सीन भी बना रखी है। शिवाल देख कितना सुंदर लग रहा है, शेषनाग के ऊपर डांस कर रहे हैं कृष्ण जी। फोटो लो एक आके। कृष्ण जी है बीच में और चारों तरफ वो है ना गोपियाँ, राधा रानी है बीच साथ में उनके, कृष्ण जी के ऐसे डांस करते हैं निधिवन में रात को, समझे? देख लिया, दिन में समझ आ गया क्या होता है, रात को तो हम वहाँ नहीं जा सकते।
सबको परेशान कर रहा हूँ उनके वृंदावन में, सारे बच्चों को उठा के ले। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और मंदिर को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, तो इसकी चारों तरफ की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से पेंटिंग से ढकी हुई हैं, जिसपे कि आपको पूरी कृष्ण जी की लीलाएं दिख जाएंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं आपको एक बार और पास से दिखाती हूँ, ऊपर नीचे चारों तरफ बहुत ही सुंदर इस पर काम किया हुआ है। आप चोटी तक देख सकते हैं कितनी अच्छी से पत्थर पर नक्काशी की हुई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अगर आपको कभी मौका मिले तो आकर दर्शन ज़रूर कीजिएगा वृंदावन में प्रेम मंदिर के। पूरा जो गार्डन है उसमें अलग अलग बाल लीलाएँ, कृष्ण जी की रास लीलाएँ, सब चीज़ों की स्टैचू के साथ बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है। हमें चलना चाहिए। अरे मम्मी के साथ ही चले। मक्खन खा रहे हैं, बीच में सारे ग्वाल बाल और कृष्ण जी बैठे हैं, है ना। यहाँ सारी झांकियाँ हैं कृष्ण जी के बचपन की, बड़े होने की। देख सब गोपियों के साथ अलग अलग कृष्ण जी हैं, देखेगा। देख किसी गोपी को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कृष्ण डांस नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने उतने ही रूप कर लिए जितने की गोपियाँ होती हैं। जितनी सारी गोपियाँ अलग अलग गोपियों के साथ कृष्ण आते हैं, देखा। जब रासलीला करती है ना, तो उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ उसी को ही ध्यान रखती है, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि किसी और के साथ भी है, उनको लगता है बस मेरे साथ ही है। रथ पे बैठे हैं ना आगे सारथी बन के, उनको समझा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ऐसे समझा रहे हैं टेंशन मत लो, तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं दूर करूँगा, है ना। बहुत सारी कहानियाँ समझा दी यहाँ, जितनी भी सारी झांकियाँ थी समझ में आई। ऐसे ही मैंने तुझे सारी सुना रखी है ना, अब इसने यहाँ पे विद झांकी पूरे स्टैचूज के साथ सब चीज समझ ली है ना। चले अब चले, अब हम निकलते हैं निधिवन से, निधिवन कह रही हूँ प्रेम मंदिर से, अभी तो है काफी, चल उधर की सब देखते हैं और फिर बाय करेंगे। मंदिर घूमते घूमते सबको थकान हो रही थी, तो हम थोड़ी रिफ्रेशमेंट्स के लिए, चाय का टाइम हो चुका है, हम रुके हैं कैंटीन में। ये कैंटीन मंदिर के प्रांगण के अंदर ही है, तो बच्चे दोनों थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, निहारी का प्रणव लेने गए हैं चाय वगैरह। तो ये आ गई है चाय हमारी और चाट आई है दोनों बच्चों के लिए, तो प्रणव एक बार चाय पीकर हम बाहर निकले, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो चुका था, धूप चल गई और बिल्कुल ठंडी सी हवा चलने लगी थी। कहाँ पे है? और सामने बहुत ही अच्छा सा एक नज़ारा दिख रहा है बादलों का।
तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। हमारी जो मथुरा वृंदावन की ट्रिप थी वो होती है, खूब एंजॉय किया हमने। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया